कि आपको मालूम है 313 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे हुए, सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। बार बार हमने प्रदर्शन किए, आश्वासन दिए गए, पर इन सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। वो सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आने वाले 10 तारीख को हमारा सेंटर बॉडी का हुक्म आया हुआ है कि 10 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है और उसके बाद हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में जितने भी नॉन पॉलिटिकल संस्थाएं हैं वो सभी वहां पे इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर हम एक बड़ा जनसलाभ होने के लिए जा रहा है। वो सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। दूसरी बात, हम आज सांबा एक्शन के पास आए हुए थे, हमारी सैलरी का इश्यू था। हमारी सैलरी 4 तारीख को आ जाती है, वो 30 तारीख को मिलती है। क्यों हम चाहना चाहते हैं वो 30 तारीख को कैसे मिलती है? 4 तारीख आता है, कितने दिन लगते हैं? महीना लग जाता है हमारी सैलरी को निकालते निकालते। दूसरे महीने में फिर सैलरी आती है, फिर महीने बाद, मतलब एक महीने में दो महीने की सैलरी आती है। समझो एक महीना 9000 रुपये सैलरी आई है, समझो हमें 2 महीने में मिली है। ये हमारे लिए विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हमने आज एक्शन साहब जहां पे नहीं थे, टीओ साहब से हमारी बात हो गई है, फिर उसके एक्शन साहब से भी हमारी बात हो गई थी फोन पर। उन्होंने बोला आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। हम उसके लिए भी आए थे। और दूसरा संदेश हम यही देना चाहते हैं कि LG साहब जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। एक बड़ा बड़ा आंदोलन होने के लिए जा रहा है, उसके बाद आपको संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद।